नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 15 अक्टूबर। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। इंजीनियरिंग कॉलेज को जल्द मिलेंगे 2000 परमानेंट टीचर और इतने नए प्रिंसिपल। बिहार में सभी घरों में इस समय तक लग जाएगा स्मार्ट प्रीपेड मीटर। अब बिहार नेपाल की दूरी होगी कम। बिहार के सभी शहरों से दूसरे राज्यों के लिए खुलेंगी बसें। पटना के कालिदास रंगालय में होगा रावण दहन। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की विस्तार से। इंजीनियरिंग कॉलेज को जल्द मिलेंगे 2000 परमानेंट टीचर और इतने नए प्रिंसिपल। बिहार के सभी इंजीनियरिंग कॉलेज में जल्द ही परमानेंट टीचरों की बहाली होने वाली है। खुशी की बात यह है कि नवनियुक्त होने वाले शिक्षकों की संख्या 2000 तय की गई है। वहीं 53 प्रिंसिपल की नियुक्ति भी जल्द होने वाली है। इसको लेकर टेस्ट इंटरव्यू का आयोजन जल्द ही करवाया जाएगा। वर्तमान समय में इन पदों को लेकर लिखित परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। विभाग में मिली जानकारी के अनुसार सिविल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस के शिक्षक नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा इनकी हो गई है। रिजल्ट प्रकाशन के बाद इन पदों के लिए साक्षात्कार लिया जाएगा, साथ ही अन्य पदों के लिए परीक्षा ली जाएगी। वहीं प्राचार्य के पदों पर नियुक्ति के लिए भी साक्षात्कार शुरू कर दिया गया है। दशहरा बाद वापसी करने वालों के लिए दिख रही है लंबी वेटिंग लिस्ट। त्योहार के मौसम में घर आना और जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, जिसके तहत अगर आपको आने का टिकट आसानी से मिल भी जाए तो जाने की समस्या तो होनी ही होनी है। ऐसा ही कुछ हालम एक बार फिर से देखने को मिल रहा है, जिसके तहत दशहरा में बिहार आए लोगों को वापसी का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा बिजी रूट दिल्ली की है। वहीं फ्लाइट टिकट के दाम भी आसमान छू रहे हैं। रेलवे की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार ट्रेनों में दशहरा के एक हफ्ते बाद तक भारी वेटिंग लिस्ट है। हालांकि मुंबई रूट पर ज्यादा मारामारी ही है। पटना से जाने वाली महत्वपूर्ण ट्रेनों में स्लीपर और एसी में टिकटें उपलब्ध है। इसके बाद अब यात्रियों ने विभिन्न रूटों पर पैसेंजर ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की मांग भी शुरू कर दी है। बिहार पंचायत चुनाव में हर पद पर 3 से अधिक उम्मीदवार। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर लगातार प्रक्रिया जारी है। तीनों चरणों के चुनाव के बाद अब चौथे चरण के मतदान की तैयारी चल रही है। इसी बीच पंचायत चुनाव से जुड़ी एक और अहम जानकारी निकल करके सामने आई है, जिसके तहत दावेदारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार सरकार द्वारा गाँव के विकास की योजनाओं में सभी जनप्रतिनिधियों को शामिल किया गया है, तो दावेदारों की संख्या भी बढ़ गई है। इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पिछले 3 चरणों में चुनाव में कुल 168,161 प्रत्याशियों ने दावेदारी की थी, जिसके तहत हर पद के लिए औसतन 3.43 प्रत्याशी ने चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाई है। बिहार के सभी शहरों से दूसरे राज्य के लिए खुलेंगी बसें। बिहार के सभी शहरों से जल्द ही झारखंड, यूपी और अन्य राज्यों के लिए बस सेवा की शुरुआत होने वाली है। इसको लेकर परिवहन विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। विभाग ने सबसे पहले बिहार और झारखंड के बीच 210 मार्गों पर बसों का परिचालन करने का निर्णय लिया है। इसको लेकर विभाग ने बसों के संचालन के लिए वाहन मालिकों से 22 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन की मांग की है। 26 अक्टूबर तक आवेदन की हार्ड कॉपी विभाग के कार्यालय में जमा करनी है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक 19 नवम्बर को राज्य परिवहन अधिकार सह परिवहन आयुक्त के कार्यालय में बैठक होगी, जिसमें बसों की परमिट पर अंतिम मोहर लगेगी। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे मनोज सिंह की। मनोज सिंह का जन्म बिहार के देहरी में आज ही के दिन साल 1990 को हुआ था। मनोज सिंह एक भारतीय क्रिकेटर हैं। उन्होंने 27 अक्टूबर 2016 को 2016-17 रणजी ट्रॉफी में छत्तीसगढ़ के लिए प्रथम श्रेणी में पदार्पण किया। अक्टूबर 2017 में उन्होंने 2017-18 रणजी ट्रॉफी में गोवा के खिलाफ छत्तीसगढ़ के लिए अपना पहला प्रथम श्रेणी शतक बनाया। उन्होंने 29 जनवरी 2017 को 2016-17 इंटरस्टेट 2020 टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ के लिए 2020 की शुरुआत की। उन्होंने 2016-17 विजय हजारे ट्रॉफी में 25 फरवरी 2017 को छत्तीसगढ़ के लिए अपनी लिस्ट ए की शुरुआत की। अब 31 मार्च तक ऑनलाइन जमा करना होगा लगान। लोगों की समस्याओं को देखते हुए विभाग ने लगान जमा करने की समय सीमा को बढ़ा दिया है, जिसके तहत अब 31 मार्च तक ऑफलाइन लगान जमा किया जा सकता है। इसको लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सारी जानकारी साझा कर दी है। हालांकि पहले 1 अक्टूबर से सिर्फ ऑनलाइन लगान की व्यवस्था की गई थी। राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह की तरफ से जारी किए गए बयान के अनुसार लगान वसूली की समीक्षा की गई तो पता चला कि इसकी गति धीरे हो गई है। वहीं गौर करने की बात यह है कि वित्तीय वर्ष में अब 4 महीना ही बचा हुआ है और राजस्व वसूली आधी हो पाई है। ऐसे में विभाग का 500 करोड़ की वसूली का है। अब बिहार नेपाल की दूरी होगी कम। बिहार और नेपाल का वैसे तो रोटी बेटी का रिश्ता
कहा जाता है इन सब के बीच अब एक राहत की खबर और सामने आई है कि बिहार और नेपाल की दूरी आने वाले समय में कम होने वाली है, क्योंकि देश का सबसे लंबा केबल स्टेट पुल 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे आम नागरिकों को और खास करके बिहार और नेपाल के बीच लगातार सफर करने वालों को काफी सहूलियत होगी। इसको लेकर हाल ही में पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने इस निर्माणाधीन पुल का निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री ने पुल के निर्माण की गति को संतोषजनक बताया और कहा कि इसे जून 2023 तक पूरा कर लिया जाए। दरभंगा एयरपोर्ट के नए सिविल एनक्लेव में उम्मीदों को दिए पंख। दरभंगा एयरपोर्ट के नए सिविल एनक्लेव की चर्चा से ही यात्रियों को काफी ज्यादा उम्मीदें अब एयरपोर्ट से होने लगी है, जिसके तहत जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा के शुरू होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। इतना ही नहीं, कार्गो सेवा, एयर एम्बुलेंस सेवा आदि के सुचारू होने के यहां से उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिलेगा। एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत और दरभंगा में एम्स की स्थापना से दरभंगा का पूरा इलाका मेडिकल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होगा। कार्गो सेवा की शुरुआत होने से NH किनारे बड़े बड़े गोदाम का निर्माण होगा। को लेकर एयरपोर्ट के नए सिविल एनक्लेव और रनवे विस्तार को राज्य कैबिनेट की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद उम्मीदें बढ़ गई। मुंगेर जिले में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। मुंगेर भारत गणराज्य के बिहार प्रांत में स्थित एक शहर एवं जिला है। यहीं पर मीर कासिम ने गंगा नदी के किनारे एक भव्य किले का निर्माण कराया था। ये किला 1934 में आए भीषण भूकंप से क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन इसका अवशेष अभी भी शेष है। यहीं पर स्थित कष्टहरणी घाट हिंदू धर्मावलंबियों के लिए पवित्र माना जाता है। प्रचलित किंवदंतियों के अनुसार गंगा नदी के घाट पर स्नान करने से एक व्यक्ति का सभी कष्ट दूर हो गया था। उसी वक्त से इस घाट को घाट के नाम से जाना जाता है। इस पवित्र घाट के समीप ही नदी के बीच में माता सीताचरण का मंदिर भी स्थित है। यहाँ जाने के लिए नाव का सहारा लिया जाता है। बिहार के सभी घरों में इस समय तक लग जाएगा स्मार्ट प्रीपेड मीटर। समूचे बिहार को स्मार्ट बनाने की कवायद बिहार सरकार लगातार करती आ रही है। यही कारण है कि बिहार के अलग अलग शहरों को और कस्बों को स्मार्ट बनाने की पहल के साथ ही बिहार सरकार अपनी योजनाओं को लागू कर रही है। इसी कड़ी में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का काम भी बिहार सरकार अब जोर शोर से करती नजर आ रही है, जिसके बाद सरकारी जानकारों की माने तो बिहार में 2025 तक सभी घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का काम पूरा हो जाएगा। इससे बिजली बिल समेत कई घंटों से लोगों को मुक्ति मिल जाएगी। इतना ही नहीं, बिलिंग के लिए मैनुअल रीडिंग, बिल के वितरण और पैसे जमा करने के साथ ही बकाया भुगतान के बाद कनेक्शन कटने की समस्या से भी छुटकारा मिल जाएगा। पटना के कालिदास रंगालय में होगा रावण दहन। आज दशहरा बिहार समेत कई जगहों पर धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन कोविड-19 के कारण राजधानी पटना में हर साल दशहरा भव्यता के साथ मनाया तो जाता था, लेकिन इस बार सीमित तैयारी की गई है और इसके साथ ही पूजा कमेटी को कोई भी कार्यक्रम आयोजित करने की इजाजत दी गई है। इसके तहत दशहरा कमेटी ने भी रावण दहन की जगह को बदल दिया है और गांधी मैदान की जगह कालिदास रंगालय में दशहरा का आयोजन किया जाने का फैसला लिया गया है, जो कि ऑनलाइन भी प्रसारित किया जाएगा। जानकारी के अनुसार 90 फीट तक ऊंचा रहने वाला रावण का पुतला इस बार 15 फीट का होगा। कुंभकर्ण के पुतले का आकार 13 फीट होगा, जबकि मेघनाथ के पुतले का आकार 12 फीट ही होगा। पटना समेत कई जिलों में बारिश को लेकर जारी हुआ अलर्ट। बिहार में भले ही मॉनसून के जाने की खबर सामने आ रही हो, लेकिन अब इन सब के बीच मौसम वैज्ञानिकों ने बिहार में एक बार फिर से बारिश को लेकर संभावना जताई है, जिसके तहत पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई है। इतना ही नहीं, इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार 17-18 अक्टूबर के बीच प्रदेश के दक्षिण बिहार और उत्तर पूर्व के एक या दो स्थानों पर गरज के साथ बारिश की संभावना है। हालांकि अगले दो दिनों तक सूबे का मौसम शुष्क होने के साथ तीखी धूप और उमस की स्थिति प्रदेश में बनी रहेगी, जिसके तहत ही बिहार के पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, गया, नवादा, बेगूसराय, जहानाबाद के अलावा दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व, उत्तर मध्य, उत्तर पश्चिम बिहार, दक्षिण पूर्व बिहार आदि स्थानों पर अलर्ट जारी किया गया है। बिहार बोर्ड ने की 12वीं के सेंटअप परीक्षा की डेट जारी। परीक्षा को समय से पहले लेने के रिकॉर्ड को कायम रखने वाली बिहार बोर्ड ने आगामी 12वीं की परीक्षा के सेंटअप परीक्षा को लेकर तारीख की घोषणा कर दी है, जिसके तहत बोर्ड ने सभी स्कूलों को निर्देशित किया है कि वो अपनी सुविधा अनुसार 19 अक्टूबर से 7 नवंबर के मध्य में सेंटअप परीक्षाएं आयोजित कर सकते हैं, जिसके तहत अब जो भी छात्र अगले साल 12वीं की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं वो बिहार बोर्ड onlinebihar.gov.in की वेबसाइट पर जाकर सारी जानकारी ले सकते हैं। हालांकि ध्यान रहे, सेंटअप परीक्षा या प्री बोर्ड परीक्षा को इस साल 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी कर दिया गया है। जो स्टूडेंट इस सेंटर परीक्षा नहीं देंगे, उनके लिए मुख्य परीक्षा में समस्या खड़ी हो सकती है। कृत्रिम तालाबों में होगा मूर्ति विसर्जन। नवदुर्गा की पूजा के बाद आज कई जगहों पर विसर्जन का काम किया जाएगा। हालांकि इस बार विसर्जन को लेकर कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत कृत्रिम तालाबों में मूर्ति विसर्जन करने की योजना बनाई गई है। इसके साथ ही विसर्जन को लेकर पूरी गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके तहत दुर्गा पूजा के अवसर पर पूजा पंडालों में ही नहीं बल्कि मूर्ति विसर्जन के समय भी DJ बजाने पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने मूर्ति विसर्जन के समय सीमित लोगों को ही जाने के लिए कहा है। बिना पूर्व अनुमति के किसी प्रकार के विसर्जन जुलूस का आयोजन नहीं किया जाएगा।
20 को होगी चौथे चरण की वोटिंग। चुनाव आयोग ने जारी की नई दिशा निर्देश। बिहार पंचायत चुनाव के 3 चरणों के सफलतापूर्वक समापन के बाद अब चौथे चरण की वोटिंग करवाई जानी है, जो कि 20 अक्टूबर को होने वाली है। हालांकि वोटिंग से पहले चुनाव आयोग ने जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिया है, जिसके तहत निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के दौरान बिना अनुमति वाले प्रचार वाहनों के लिए भी निर्देश जारी किया है। निर्वाचन आयोग के अनुसार चुनाव के दिन बिना अनुमति वाले वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा। साथ ही जानकारी ये भी दी है कि अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए निर्वाचन से जुड़ी सभी तरह की अनुमति के लिए प्रखंड परिसरों में स्थित काउंटर पर संपर्क किए जा सकते हैं। आयोग के अनुसार निर्वाचन से जुड़े सभी तरह के प्रपत्र यहीं जमा होंगे और कार्य पूरा होने तक वहीं से प्राप्त किए जाएंगे। सरकारी अस्पतालों में नहीं होगी दवाओं की कमी। सरकारी अस्पतालों की बदहाल हो रही व्यवस्था को लेकर कई बार शिकायतें लगातार सामने आई है, लेकिन अब सरकारी अस्पतालों में दवाओं की कमी की कोई शिकायत नहीं आएगी, क्योंकि BMSICL ने कंपनियों के साथ समझौता कर लिया है। बिहार चिकित्सा सेवाएं और आधारभूत संरचना विकास निगम ने अस्पतालों में दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने को निर्माणकर्ता कंपनियों से सीधे जिलों में स्थित दवा भंडार में दवाओं की आपूर्ति करने का निर्णय लिया है, जिससे कि अब आउटडोर और इनडोर मरीजों को निःशुल्क दवाएं जल्द मिलेंगी। इतना ही नहीं, समझौते से दवा आपूर्ति के लिए राज्य स्तरीय दवा भंडार पटना या किसी क्षेत्रीय डिपो पर निर्भर नहीं रहना होगा। छठ पूजा के आयोजन को लेकर अरविंद केजरीवाल ने अनिल बैजल को लिखा पत्र। राजधानी दिल्ली में बिहार के कई लोग रहते हैं और बिहारी अगर कहीं भी रह रहे हैं तो उनके लिए छठ का महत्व खास ही होता है। इस बात को सरकार भी अब समझने लगी है। यही कारण है कि पहले छठ पूजा के आयोजन पर रोक लगाए जाने के बाद अब केजरीवाल ने LG अनिल बैजल को पूजा के आयोजन की अनुमति देने के लिए पत्र जारी किया है। पत्र में कहा गया है कि राजधानी में पिछले 3 महीने में कोविड महामारी नियंत्रण में है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए छठ पूजा को अनुमति देने का आग्रह किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने अपने पत्र में ये भी लिखा है कि दिल्ली के लोग बड़ी आस्था के साथ छठ मनाते हैं। बिहार के गांव में बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं अफसरों की टोली। बिहार के गांव में बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का काम किया जा रहा है, जो कि अफसरों की टोली कर रही है। इतना ही नहीं, सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस टोली में 2 IAS भी शामिल है, जो बच्चों की क्लास लेते हैं। आपको बता दें, ये अफसरों की एक ऐसी टीम है जो ग्रामीण इलाकों में बच्चों के बीच शिक्षा का अलख जगा रही है। ये IAS अपनी ड्यूटी से हटकर थोड़ा समय आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के बीच व्यतीत करते हैं। 3 युवा IAS की इस टीम में समस्तीपुर के IAS संतोष कुमार, गोपालगंज के IRTS विजय कुमार और CRPF के कमांडेंट रंजन कुमार का नाम शामिल है। राबड़ी देवी ने लालू प्रसाद यादव के बिहार आगमन को लेकर स्थिति किया स्पष्ट। बिहार में कुशेश्वर स्थान और तारापुर में होने वाले उपचुनाव के दौरान लालू प्रसाद यादव के प्रचार करने की खबरें लगातार सामने आ रही थी, जिसको लेकर 20 अक्टूबर को लालू प्रसाद यादव के आगमन को लेकर खबर सामने आई थी। लेकिन अब राबड़ी देवी ने पूरी स्थिति को साफ कर दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव अभी बिहार नहीं आएंगे, अभी उनका इलाज चल रहा है, जिसके बाद उनके प्रशंसकों को निराशा हाथ लगी है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने गुरुवार को पटना एयरपोर्ट पर संवाददाताओं से बातचीत के दौरान उक्त बातें कही है। रामविलास पासवान की पत्नी ने पशुपति पारस पर लगाया आरोप। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की पत्नी रीना पासवान ने बीते दिन पशुपति कुमार पारस को लेकर कई आरोप लगाए, जिसके तहत मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि केवल मंत्री बनने के लिए पारस ने लोजपा को तोड़ने का काम किया है। 44 साल तक परिवार के साथ रहने के बाद अब मुझे पति के साथ क्या संबंध था, ये बताना पड़ रहा है। मुझे बेटे चिराग पासवान को लेकर चिंता होती है, डर से मैं उसके साथ दोस्त को रखती हूँ। आज इस सीट से सांसद पारस है और परिवार को धोखा देकर मंत्री बन गए हैं। उसे रामविलास मुझे देना चाहते थे, लेकिन पारस के मन में केंद्र में जाने की महत्वाकांक्षा थी तो उन्हें बताना चाहिए था। फेस्टिवल सीजन में दूसरा डोज नहीं लेने वालों की तलाश। फेस्टिवल सीजन की शुरुआत हो गई है, ऐसे में लोगों की भीड़ भी अब बाजार में नजर आने लगी है, क्योंकि COVID-19 प्रभावितों की संख्या में गिरावट देखी गई है। ऐसे में अब फेस्टिवल सीजन के दौरान वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लेने वालों के लिए खतरे की बात सामने आई है। जानकारों की माने तो ऐसे लोग COVID-19 से पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 3 वीडियो इसको लेकर जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि एक डोज से COVID-19 से कोई भी इंसान पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, एक अधूरा 2 से ही होगा पूरा, इसकी जानकारी दी जा रही है। इसके बाद अब ऐसे लोगों की तलाश में गांव से लेकर शहर तक सर्च भी चलाया जा रहा है। T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में हुआ बड़ा बदलाव। IPL आज 2021 के विनर के साथ खत्म हो जाएगा, वहीं इसके बाद तैयारी होगी T20 वर्ल्ड कप की। हालांकि T20 वर्ल्ड कप को लेकर लगातार चर्चा बीते कुछ दिनों से चलती आ रही है, जिसमें भारतीय टीम में कई बदलाव को लेकर चर्चा हो रही थी। लेकिन बीते दिन जो बड़ी जानकारी निकल करके सामने आई है, उसके अनुसार T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम में अक्षर पटेल की जगह नए खिलाड़ी के नाम को शामिल किया गया है, जिसके तहत बदलाव के तौर पर बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज अक्षर पटेल की जगह तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर को शामिल किया गया है। इसके पहले शार्दुल ठाकुर मध्यक्रम बल्लेबाज श्रेयस अय्यर और अन्य तेज गेंदबाज दीपक चाहर के साथ स्टैंडबाई खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल थे। पंकज त्रिपाठी ने अपने वेब सीरीज को लेकर दी जानकारी।
बिहार से निकले अभिनेता पंकज त्रिपाठी अपने अभिनय के कारण लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। इसी बीच पंकज त्रिपाठी ने अपनी अपकमिंग वेब सीरीज को लेकर बड़ी जानकारी दी है, जिसके तहत बीते दिन सोशल मीडिया पर पंकज त्रिपाठी ने अपने नए वेब सीरीज को लेकर एक वीडियो जारी किया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने प्रिपरेशन तो शुरू कर दी है, अब आपको भी रिविजन चालू कर देना चाहिए। #CriminalJustice3 की शूटिंग जल्द ही शुरू होगी। आप लोगों ने मुझे पिछले दिनों केस में लड़ते भिड़ते और जीतते हुए देखा। मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूं, पर अब एक नया केस आया है, मैंने प्रिपरेशन और स्टडी शुरू कर दी है, बहुत जल्द कार्रवाई भी शुरू होगी और यकीन मानिए ये वाला केस लिट फैम होने वाला है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। मुगल शासक औरंगजेब ने 1686 को बीजापुर के साथ शांति समझौता पर हस्ताक्षर किया। टाटा कंपनी ने टाटा सन्स लिमिटेड नामक देश की पहली एयरलाइन की शुरुआत 1932 में आज के दिन की थी। टाटा एयरलाइन जो कालांतर में एयर इंडिया बन गया, इसकी पहली उड़ान 1935 में आज के दिन भरी गई थी। त्रिपुरा राज्य को भारत में 1949 को सम्मिलित आज के दिन किया गया। मिस्र की संसद ने स्वेज नहर समझौते को 1951 में रद्द करने का फैसले पर मुहर लगाई थी। उज्ज्वला पाटिल 1988 में पूरी दुनिया की समुद्री यात्रा करने वाली एशिया की प्रथम महिला बनी। रिजर्व बैंक ने 2008 को CRR में 1% की कटौती की घोषणा की। अरविंद अधिक को उनकी पुस्तक द हाइट टाइगर के लिए साल 2008 को बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया। भारत के 11वें राष्ट्रपति अब्दुल कलाम का जन्म 1931 में आज के दिन हुआ। मुगल शासक अकबर का जन्म 1542 में आज के दिन हुआ। वो एक कवि, उपन्यासकार, निबंधकार और कहानीकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का निधन 1961 में आज के दिन हुआ था। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 14 अक्टूबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,090 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,350 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 63,200 रुपए था। उसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 107.89 रुपए प्रति लीटर और डीजल 99.53 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है गौतम कुमार, डेविड वॉकर, रविंद्र पासवान, सुनील कुमार, विजय घायल, अजिम फिरदौस, भरत प्रसाद, कमला अग्रवाल, अंजनी कुमार, शंकर मुखिया, ललन पाल, सुनील कुमार, संतोष कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार आज चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेले जाने वाले फाइनल मुकाबले में किस टीम के जीतने की सबसे ज्यादा संभावना है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।